हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बेफिक्रे के डिटेल रिव्यू के बारे में। शुक्रवार को ही मैंने इसके रिव्यूज प्रॉपर बताए थे, जो बाकी साइट्स पर थे, क्रिटिक्स ने जो राय दी थी, उसके बाद मैंने इसके बारे में जो ऑडियंस की जो व्यूविंग रेट था, पहले दिन का ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रेट जिसे कहते हैं, कि फिल्म किस तरह पर चल रही है, इसके प्रेडिक्शन क्या है, वो सब आपको बताए थे। अब कहीं ना कहीं हाल ही में मैंने इसकी ये मूवी देख ली है पूरी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके जो डिटेल्ड रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। वो अब देख ली है फिल्म और मुझे सही में अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि फिल्म मुझे अच्छी लगी है। और कई लोगों ने हाल ही में कहा कि फिल्म फ्लॉप है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज, या कुछ लोगों ने कहा कि स्टोरी रिपीटेटिव है, तो मैं उस सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे मैं रुक करूंगा। पहली बात तो ये इस करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं फिल्म के, जहां पे फिल्म में कुछ ज़्यादा करेक्टर्स नहीं है, दो लीड एक्टर है, उन्हीं के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। पहले तो रणवीर सिंह जो धर्म का रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी है शायरा जो रोल प्ले कर रही है, मतलब सॉरी दूसरी वाणी कपूर जो शायरा का रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में। और शायरा फ्रेंच बॉर्न इंडियन ओरिजिन गर्ल है, जो फ्रेंच में ही पड़ी पली बड़ी होती है, पंजाबी बॉर्न पेरेंट्स के पास, और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं। वहीं अगर बात की जाए अपने धर्म के बारे में, धर्म यानी रणवीर सिंह दिल्ली से कोई उनका फ्रेंड बुलाता है उन्हें फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में उसका एक रेस्टोरेंट रहता है दिल्ली बिल्ली बार, वहाँ पे आके कॉमेडी कुछ करनी होती है, तो उस हिसाब से उसको बुलाता है कि यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स उसको एंटरटेन कर। तो इस तरह से रणवीर सिंह पहुँच जाते हैं पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में उनकी थोड़ी स्टार्टिंग में दिखाया, उनकी मुलाकात होती है वाणी कपूर से, वाणी कपूर के साथ उनका जो जर्नी स्टार्ट होती है, मोहब्बत वगैरह जो भी लव वगैरह होता है, वो सब चीज़ों के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है फिल्म में। कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि वाणी कपूर कहती है कि लव इज़ नॉट गुड, सो वी हैव वी विल बी फ्रेंड, वी विल बी इंजॉइंग लाइफ, लाइक देयर विल बी नो लिमिट्स एंड ऑल, वी विल बी वेरी केयर फ्री, खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ, बाकी कोई टेंशन। इस तरह से एक स्टार्ट होती है जर्नी दोनों की, बट कहीं ना कहीं फिल्म पास्ट प्रेजेंट में हमेशा आगे पीछे होती रहती है। यानी कि पहले तो सबसे पहला सीन ही प्रेजेंट का दिखाया कि वाणी कपूर से झगड़ा होता है, वाणी कपूर चले जाते हैं, उसके बाद पास्ट में दिखाया कि एक साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे लोग मिले थे। तो फिल्म ऐसा पास्ट में फिर प्रेजेंट में ऐसा जगलअप होती रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ऑडियंस है वो कन्फ्यूज होती है कि एग्जैक्टली क्या है। ओवरऑल पूरी फिल्म से मैंने इतना चीज़ नोटिस किया कि इसका प्लॉट उतना सही नहीं मतलब फ्लो में गया है, आगे पीछे जरूर हुआ है, लेकिन उसके अलावा छोड़ दी जाए तो स्टोरी अच्छी है, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी रिपीटेटिव आपको जरूर लगेगी, आपको थोड़ी कॉकटेल वाली जो फिल्म है उसकी थोड़ी फील आएगा, थोड़ा आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा, थोड़ा वो जो फिल्म थी उसका हल्का सा फील आएगा। तो ओवरऑल फिल्म का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ उठाया, वहाँ से कुछ उठाया, यहाँ से ऐसा लगे फिल्म बना दी, उस तरह से ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल बहुत ओरिजिनल स्टोरी भी लाना बहुत मुश्किल है। उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फिल्म में जरूर दिखेगी जो रिपीटेटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि वाणी कपूर और रणवीर सिंह ने कमाल किया है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, रणवीर सिंह ने लिटरली इस फिल्म में जान फूंक दी है, वो एकदम पावर बूस्ट परफॉर्मेंस दी है, जो भी सीन में नजर आए हैं वो एक सीन को जिंदा कर देते हैं कभी भी। ये बहुत बड़ी एक मतलब बोलते ना खासियत होती किसी एक्टर की, जो भी सीन वो करता हो इतना अच्छे से करे कि वो सबको अच्छा लगे। और जब हर एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और पैशन से करते हो, वो चीज़ अच्छी निकल के सामने आती ही है। और कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुना था वाणी कपूर के बारे में, उनकी 3 साल बाद फिल्म आ रही है, उन्हें लिप सर्जरी कराई, ये सब काफ़ी चीज़ें सुनने में आई उनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने रोल प्ले किया है बहुत ही मुश्किल रोल है, और थोड़ा फ्रेंच भी इस फिल्म में उन्होंने बोला है। तो आप ये मान के चलिए कि जितना रणबीर कपूर को जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ी वाणी कपूर को, और उनका रोल प्रॉपर जस्टिफाई होता है, फ्रेंच बॉर्न गर्ल जो लग रही है प्रॉपर उस पर सूट करता है वाणी कपूर के लिए। उन्होंने जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपना बहुत सही किया है इस फिल्म के लिए। मैं उनके ऊपर कुछ उंगली नहीं उठाना चाहता, ना तो रणवीर सिंह के ऊपर, क्योंकि एज ए डायरेक्टर जो आदित्य चोपड़ा के थॉट प्रोसेस था इस फिल्म को बनाने का, इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, वो प्रॉपर सही था। अब कहीं ना कहीं अब ये स्टोरी का जो मेन थीम है वो एग्जैक्टली क्या है, वो सेम सिंपल सा फंडा है, बी केयर फ्री, इंजॉय केयर फ्री, लव केयर फ्री, लीव केयर फ्री, बिंदास हो, बिंदास जियो, बिंदास प्यार करो, बाकी नहीं करो कुछ भी। और कहीं ना कहीं फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत सही है, वन लाइनर्स है, पंचेस है, इंजॉयमेंट आपको मिलेगा, और रणवीर सिंह की जो मासूमियत, वो बचकाना वाला एटीट्यूड है जो हम कहीं ना कहीं
रणबीर कपूर की कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं पहले, सेम उस तरह का इनका भी है। रणवीर सिंह का एक बचपना जो बैंड बाजा बारात में भी हमने जो उसका उस तरह का करेक्टर है इस फिल्म में भी, वो अलग बात है। वहाँ पे दिल्ली वाला बंदा था, सेम इधर भी दिल्ली वाला बंदा है, लेकिन इस बार दिल्ली वाला बंदा फ्रांस में है, बस ये फर्क है। बाकी कहीं ना कहीं उनकी मस्ती या जो हरकतें वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको लगेगी। और ओवरऑल बहुत बढ़िया रणवीर सिंह ने इस फिल्म को संभाला है, परफॉर्म किया है। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते ये आपको समझ में आएगा, दोनों जो एंजॉय करते हैं लाइफ। उसके बाद जो करीबन 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, तो 1 घंटा जो 40 मिनट है या 35 से 40 मिनट एकदम एंजॉयमेंट है। एंजॉय मतलब एकदम फिल्म में आपको कुछ लगेगा नहीं कि कुछ ऐसे चला, इस चीज़ें चलती जा रही है ऐसा लगेगा आपको। उसके बाद एक फेज आता है जहाँ पे शायद वो किसी से आई थिंक कोई बंदा आ जाता है लाइफ में, वो शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद से ही शायरा यानी कि वानी और रणवीर सिंह यानी कि धर्म दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब एक्चुअली थोड़ा सा जेलसी फील करने लगता है धर्म या मतलब रणवीर सिंह। उसके बाद धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगती, दोनों एक दूसरे फिर जेलस फील होने लगते, मतलब अंदर अंदर प्यार रहता है लेकिन बता नहीं पाते या बताना नहीं चाहते हैं। वानी चाहती है कि वो सेटल्ड हो जाए लाइफ में, और रणवीर सिंह मेच्योर ही नहीं हुए, मतलब मेच्योरिटी नहीं दिखाते। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती, बाद में दोनों अपने वानी कपूर उस बंदे से मंगनी कर लेती, शादी तक की बात पहुंच जाती दूसरे बंदे से। वहीं रणवीर सिंह गुस्से में आकर जेलसी के दिखाते हुए किसी और लड़की से मंगनी कर लेता, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और लास्ट में जो एंड अप हुआ है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको हर चीज़ नहीं बताऊंगी तो आप बोलोगे यार ये तो सब चीज़ बता दी है। तो ओवरऑल बहुत फिल्म अच्छी है, ये सब चीज़ें आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ। एट द एंड जो थीम दिया है वो बहुत अच्छा थीम है, मतलब इसका जो एक सार बोलते हैं ना फिल्म को देख के आपको जो मैसेज मिलता है वो मैं बेसिक बता देता हूँ। वो ये दिया है कि यार अगर आप प्यार करें तो आप 100% होके करो, उसमें इन्वॉल्व होके करो, 50% मत करो, आधा था कुछ नहीं। या तो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ चीज़ें कर दे लाइफ में प्यार कर दे, तो या तो बिल्कुल उसमें हाथ मत डालो या दूर हो जाओ। इस तरह से एक सिंपल सा मैसेज दिया है, और लास्ट के 2-3 मिनट के मैसेज में बहुत अच्छा एक समअप किया है पूरी फिल्म को। और एट द एंड ये लिखा है मतलब बी केयर फ्री, इन्जॉय लाइफ केयर फ्री, मतलब इस तरह से एक मैसेज दिया है कि जस्ट इन्जॉय, मतलब कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, इन्जॉय करना है तभी एक लाइफ सक्सेसफुल होती है। ये पूरी स्टोरी की बात मैंने कर दी। सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि इमोशनल मोमेंट आ जाता है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खींचा है, बट एट द एंड वो सब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। डांस परफॉर्मेंस भी है लास्ट में, वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, वानी कपूर और रणवीर सिंह के बीच में। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन के बारे में। आदित्य चोपड़ा का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और यश राज की फिल्में जो अक्सर रोमांस के लिए जानी जाती हैं, और इसीलिए आदित्य चोपड़ा ने जो इसका लोकेशन चुना है वो पेरिस कोई गलत लोकेशन नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस फिल्म में कोई एक सीन भी ऐसा नहीं कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म इंडिया में शूट हुई, पूरी तरह से फ्रांस पेरिस में शूट हुई फिल्म, तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और कहीं ना कहीं इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, पेरिस की जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स है वो दिखाई गई है, खास करके आईफिल टावर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरिस का जो राजधानी की, वो इस फिल्म में अक्सर दिखाया गया है। यहाँ वहाँ इवन पोस्टर्स में भी आप देखोगे, ट्रेलर में भी आप देखोगे, वहाँ का सीन दिखाया गया जो बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल इस फिल्म का एक अच्छा लगेगा आपको। विशाल शेखर का म्यूजिक है वो भी बहुत बढ़िया लगेगा, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छे लगेंगे। और इसके बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो जो फ्रेंच जो क्यून होती, कल्चरल क्यून, उस तरह का काफ़ी फ्रेंच म्यूजिक को लिया गया है, फ्रेंच के जो गाने हैं वो इस फिल्म में यूज़ किए गए, तो बहुत एक वो एक फील गुड फैक्टर, जो एक कल्चरल फैक्टर है फ्रांस का, वो इन्फ्यूज़ किया है बहुत अच्छे से विशाल शेखर ने, मैं कहूँगा। तो उसके लिए क्रेडिट ज़रूर देना होगा ओवरऑल विशाल शेखर को। और कहीं ना कहीं स्टोरी भी आपको पता है आदित्य चोपड़ा की, स्क्रीन प्ले भी आदित्य चोपड़ा का, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आदित्य चोपड़ा है, तो इन चारों चीज़ों में आदित्य चोपड़ा मेरे हिसाब से सक्सेसफुल रहे। स्टोरी थोड़ी रिपीटिटिव आपको ज़रूर लगी, लेकिन वन टाइम वॉच ज़रूर है फिल्म। अगर कहीं ना कहीं अब हम बात करें इसके रेटिंग के बारे में, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार आराम से दूंगा, क्योंकि मुझे हिसाब से मेरे को जो जिस तरह का मैं सोचना है फिल्मों को लेकर, उस हिसाब से मुझे फिल्म पसंद आई है। फिल्म मतलब आपको टेंशन नहीं करेगी, टेंशन लेने वाली फिल्म नहीं, एंजॉय करने वाली फिल्म है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा एक बार, वन टाइम वॉच तो आराम से है। और रणवीर सिंह के अगर आप बहुत अच्छे फैन हो तो रणवीर सिंह के लिए प्लीज जाके फिल्म देखिए, मैं तो ये कहूँगा। वानी कपूर ने भी इसमें काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, तो उनकी मेहनत भी आपको ज़रूर रंग लाएगी। और कहीं ना कहीं शायरा के जो माता और पिता है तो बहुत ओपन माइंडेड रहता है, उनका भी करेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया, कुछ ज़्यादा इसमें रोल्स वगैरह है नहीं, जो बेसिक रोल्स है वो है। फिल्म आपको जैसा बताया शायरा और धर्म की कहानी है, और कहीं ना कहीं आपको ये कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अगर रिलीज होती 2016 में तो कैसी होती, सेम वो मूवी ये बना दी है आदित्य चोपड़ा ने। बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब आदित्य चोपड़ा की जो चौथी फिल्म है ये,
फिल्म धमाका कर रही है। 2 दिन में इस फिल्म ने करीबन करीबन 22 करोड़ का कलेक्शन किया है। आने वाले दिनों में फिल्म बहुत अच्छी कमाल करेगी, इसमें नो डाउट है। आपको कैसी ये फिल्म लगी आप मुझे जरूर बताइए, और कुछ और बॉलीवुड खबरें या आप पता चलेगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, उड़े दिल बेफिक्रे।